त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे भगवान झूठ न बोला मैं सरकार, इलाकी लोग जो होलिन न सावन के घास के तरह होलिन, फटाफट बढ़ जालिन। अरे हाय हाय हाय, अरे का जालिम के ऊपर जवानी के निखार आइल बा सरकार। अरे सपना में तो लइका लोग हाय चंपा कह के चिल्लात हिन सरकार। और बसंती का क्या हाल है? बसंती तो एकदम बुढ़ा गई सरकार। जतने कामों का आपके जवानी में लगत रहल, हाँ। अब ना ही लागत। मतलब हम बुढ़वा हो गई ली? अरे भगवान नजर न लगावे आपके जवानी के सरकार, आप तो बसंती को लौंडिया चंपा के भी बूढ़ कह के बूढ़ा ना हो बे। अरे सरकार आपके ऊपर तो काम देखो सीधा सीधा आशीर्वाद बा। अरे बाबूजी जल्दी करा, वो चंपा हमार इंतजार कर रही हो। सरकार बसंती आपके और चंपा छोटे सरकार के। सरकार थोड़ा यहरो मार दी हल जा, आपके बगल में बैठे का ना। पहले ई डाल। नौटंकी के मजा ही खराब हो जाए। नमस्कार। प्रणाम बड़े बाबू। खुश रहा, जियत रहा। आज बाप बेटा सच समझ के कहाँ जाए के तैयारी किया? नहीं, वो गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे है, वही के लिए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम? हाँ। के करवा रहे बा? बसंती का लौंडिया सरकार। पागल हो, चल भी। प्रणाम। खुश रहा। बहुत खुश रहे। कहाँ गई ली बाप बिटुआ? कौन सामाजिक कार्यक्रम में गए हैं? अरे चुप हो जाओ, अरे चुप बैठा हो। छमिया कब हमने दिलवा पे छम छम करी? अरे झलकिया तो दिखाई दे। बस चौधरी साहब के अले तक अपन अपना सम्मान दबा के बैठा। आई सरकार आई। वो देखा चौधरी साहब आ गए ले हैं। बैठा बैठा बैठा। खड़की लोग पहले ही जमा हो गई। ए मुनीम, यहाँ ई बार चंपा का फाटक हम ही खोलबे। जी सरकार। छोटे सरकार चंपा का फाटक द्वार खोलिए तो आपका खोलबे? अरे दरवाजा खोलबे। हम खिड़की खोलब। आई सरकार बैठी। एक मिनट अपन सामान संभाल के बैठी। हाँ तू अपन संभाल। बैठी सरकार। गिले आपका गिला। सब साथ ही लाए हो? अरे सरकार आपके साथ चले घ तो सारी तैयारी के साथ चले घ ना। अरे विशंभर कहाँ गई? अरे सरकार साथ में तो आई रहा, अब पता नहीं कहाँ चढ़ गई। आई गिलास बना दी सरकार। अरे भर दे, पूछत कहाँ है। और चंपा को बोल दे हम आ गई ली। बस सरकार अब बोल। हट हट। राम राम चौधरी साहेब। तू आ गई ले? का करता गांव में चंपा आई है तो भला नींद कैसे आई? नाशिक है चंपा के, बहती गंगा है, अगर हाथ पांव धोए को मिल जाए तो मैं बुरा का। अरे चुप। इतर जैसन खुशबू आ रहा है। ऐसा मत बोल। बिलाई थी है का? अरे शराब तो खुशबू नहीं आती चौरंगी। अरे इतर सरकार ने अपने बदन के ऊपर सेंट छिड़क ले है ना, ओकर खुशबू आ रहा लिया। इतर बढ़िया है,
इनके गंदे बदन पे लगाने के बाद भी महक रहे ले। का बकत है? अरे चौरंगी, हम हो तो लगोले हैं, यहाँ से कैसे नावतिया? काहे को इतर बर्बाद करता है? तू तो पैदाइशी गंदा है। अरे चौरंगी हो, छोटे चौरंगी, ये क्या कर रहे थे? अभी बंद कर रहे थे, बाद में खोल। का भैया मनीम, चंपा कहाँ आवते है? अरे सरकार कैसे आई? का है? जब स्टेज के पीछे हम पहुँचे तो कहा देखा था? का? कि छोटे सरकार चंपा के चोली के पीछे के बंद बांधा था। अच्छा अच्छा, है मैं कोई गलत बात नहीं। अरे कैसे गलत बात नहीं है, सरकार बांधे से पहले खोले तो हुई है ना। का बात है? हमके मालूम रह लिया हुई। Thank you.
माई तू चिंता मती कर, कल अदालत का फैसला हमरे ही हक में होई। चौधरी का ही नौटंकी ओह की आखिरी नौटंकी है। मिलावट सरासर गलत है कि मेरे मुवक्किल नागेश्वर चौधरी ने दुर्गा देवी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया। सच तो यह है कि दुर्गा देवी के स्वर्गवासी पति दीनानाथ ने अपने छोटे बेटे अर्जुन को शहर पढ़ाने भेजने के लिए नागेश्वर चौधरी से कर्ज लिया, लेकिन इत्तेफाकन एक दुर्घटना में दीनानाथ की मौत हो गई। मिलोट, मेरे काबिल दोस्त आज एक बार फिर अदालत को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुवक्किल दीनानाथ जी ने चौधरी नागेश्वर से कोई कर्जा नहीं लिया, बल्कि अपने बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए साहूकार को 2 बीघा जमीन बेची थी, और इसका प्रमाण मैं अदालत में पेश कर चुका हूँ। मिलोर्ड, सारी सच्चाइयाँ अब आपके सामने हैं और हमें अब आपके फैसले का इंतजार है। अदालत को उपलब्ध कराए गए सबूतों, तमाम गवाहों के बयानात और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दी हुई दलीलों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नागेश्वर चौधरी ने स्वर्गवासी दीनानाथ की बेवा दुर्गा देवी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। लिहाजा ये अदालत नागेश्वर चौधरी को आदेश देती है कि वह 24 घंटे के अंदर दुर्गा देवी की जमीन से अपना अवैध कब्जा हटाकर जमीन बाइज्जत उन्हें वापस लौटा दे। साल से बसमती चावल, मसूर के दाल की बोरिया और असली घी हम देत रहे, खा खा के तू चौड़ा हो ही गवा और हमरी चौड़ी करवा दे ले। आपका चौड़ी हो गई सरकार, चौड़ी ना होई सरकार। अदालत अपन फैसला सुना दे ले, लेकिन हम मानब नहीं। फैसला तो अब हमारी अदालत में हुई। साहब के मुंह में आवे के बाद मेंढक बाहर ना निकल सकत है। दुर्गा की जमीन कोनो अदालत वापस नहीं दिलवा सकत। अरे जीत गईल रे, जीत गईल दुर्गा भौजी, पगला गईल हवे का? अरे हाँ पागल ही हो गईल है, खुशी ही ऐसन है। पानी गिर गया। हाँ। इले इका का करी? आज के लिए अंग्रेज बन जा, यहीं से पूछ ले। भाग गई तो जीत गईल रे, जीत गईल। आज तक का एक कल्लू नाई का रिकॉर्ड रहे कि आज तक किसी की मूंछ नहीं कटी। हार गवा, काट गईल रे, कट गईल ना। अपने चौधरी की भी काट दी, नाक तो हो कि पहले से ही कट गईल है। तीर काट हंस तारा। दुर्गा भौजी, दुर्गा भौजी कमाल हुई गवा, दुर्गा भौजी कमाल हुई गवा। अरे चौधरी मुकदमा हार गवा, ओकी तो नाक कट गई। का सच कहो तो चौरंगी काका? अरे हाँ रे, अरे पूरे गांव में अखबार जैसन बांट के आए रहल है ये खुशखबरी के। यहाँ सबसे बाद में सुना हो तो काका? अरे यहाँ का तो खुशखबरी बांटत भी रहे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं और बहुत जगह खुशखबरी बांटे के हो। किशन की बाबू, आज तहार अस्थियां निकाले के समय आ गई बा। हमरा के आशीर्वाद दा कि हम आपन प्रतिज्ञा पूरी करके तहार इन अस्थियां के गंगा मैया के हवाले कर सकी। ये भौजी बोला हमरो तनी आरती उतार दी ना। नहीं तो हर आरती तो हमने ननंद उतारी, हम नहीं। माय गॉड, अंदर कमरा में आहा, तो है ना आवे के चाहिए। काहे भौजी?
हम कहना जा सकते हैं एहलिए कि अभी तोहर और हमरे ननन का गौनाना भव और जब ले गौनाना हो जाए तो हे ना मिले के चाहे और तोहे और हमरे ननन के थोड़ा सबर करे के होई। अब तक तो सबर ही ना कैले भौजी, बस एक बार आधा के शकल दिखाई दा फिर हम चुपचाप चल जाए। बुआ छुप के देखे थे माई हट बदमाश। पाए लगी माई माई, आज हम मुकदमा जीत गए माई, अदालत में हमारी जीत हो गई माई, माई आज हमारी जमीन हमका वापस मिल गई माई। हाँ बेटा, भगवान के घर देर बा अंधेर नहीं। चौधरी हमरा से हमार पति के प्राण और हमार जमीन दोनों छीन ले रहे। सती सावित्री पे यमराज से अपन पति के प्राण बचा ले रहे, पर हम चौधरी से अपन पति के प्राण ना बचा सके। माई अपन औलाद के, पत्नी अपन सुहाग के और किसान अपन जमीन के लुटेरन के कभी माफ ना करेला, और जो करेला वो कायर होइला। हाँ माई, तोहार हर इच्छा पूरी होई। माई अर्जुन को खबर भिजवा दे। हाँ। जा, खबर भिजवा दे अर्जुन बिटवा के कि हमरा के हमार जमीन के डिग्री मिल गई। Oh,
झूठ में जब होए लड़ाई, सच हमेशा जीते सच्चाई। लहर लहर सरसों लहराई आज हमरे द्वारे, आज हमरे द्वारे, आज हमरे द्वारे, आज हमरे द्वारे, आज हमरे द्वारे। झुमके आई हाथ बढ़ाई, लहर लहर सरसों लहराई, आज हमारे द्वारे समय ने सले माफ करिए चौधरी साहब, चौरंगिया बुलावे पहुंच जा रहा। चौरंगी, आज तक हम सुनत रहे तू वो कुत्ता है कि ऊंचाई और गहराई में दोनों पर मुतत, लेकिन आज तू ये ऊंचाई पर मुतले तो के बहुत महंगा पड़े। तला दरोगा हमारी बंदूक ठीक से संभाला, वरना हम तो के संभाल दे। अरे चिंता जिन करे चौधरी साहब, हम है ना तो कद हम बाद में देखा। इहो धम का दे हैं मुनीम बोला का हम तो है कुत्ता नजर आवत है। भगवान झूठ न बोला मैं चोरंगी, अगर सरकार कहला तो सच्चा बोलना है। सीधा खड़ा रहे, ले खड़ा हो बेली। चोरंगी का करता है, टांग उठा के कुत्ता का करता है। अरे तू पागल हो गई का, पागल कुत्ता काटत भी है। अरे के आयल हपुरवाई, लहर लहर सरसों लहराई, आज हमरे द्वारे। अबे ये दरोगा, अब मुंह लटकाए काय खड़े हो? हम पूछत है तुहार हिम्मत कैसे भाई हमें यहाँ लावे की? जब हुआ से चले थे तो रास्ता में हवेली नहीं नजर आई का जो हमें यहाँ ले आए? ससुरा बात करत है, अब ऐसे खड़ा है जैसे चुप। अरे छोटे सलगार, मौके की नजाकत के तो समझिए, हमरी भी तो कोनो मजबूरी है। अब देखिए ना, दो दो हत्याएं भाई है और वो भी दिन दहाड़े। अब आप ही सुनिए, वो वक्त मौका है वारदात पर पुलिस भी पहुंची रहे, ऐसे कानूनन देखल जाए तो आप पर भी चार्ज बनत रहे। ए दरोगा, जबान संभाल के बात करा, हमरे ही टुकड़ा पे पलट है तुहारी थाना और हमरे ही सामने तू सरकारी जबान में बोला था। अब हत्या के केस के खुदकुशी के केस बनौले में थोड़ा वक्त तो लागी ना सरकार है। अब तब तक आप चाहे तो हम चंपा के भी यही हाजिर कर देते। सरकार की ठीक रही, अगर चंपा यहाँ आ जाए तो दो चार महीना तो आपका आराम से कट जाए। तो बुला कान खोल के सुन लो दरोगा, या थाने में भी हमरे बाबूजी का घर जैसा माहौल चाहिए। हैं? अगर इनके कोनो भी तकलीफ भाई ना तो बस ना तो थाना रही और ना ही रही बात तू समझे का? जी सरकार, सरकार, सरकार,
हम वही रात का आ जाए चंपा आई ना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे झूम के आयल है पुरवाई लहर लहर सरसों लहराई आज हमरे द्वारे समय न ऐसनी अंगड़ाई हो समय न ऐसनी अंगड़ाई दूर भइल दुख का परछाई आंसू बन गए तारे हमरे द्वारे आज हमरे द्वारे भाई भाई भगवान ये तो अब सबके भाग में काट लिखती है भाई काट लिखती है बेटा ना ये भगवान हमार भाग में ना चौधरी नागेश्वर लिखते लन हमार घर के शमशान वो भगवान ना नागेश्वर बना दे लग दीवाना जेकर तू अपन आंसू से भी गोरल बारा देखा देखा ध्यान से कर देखा ध्यान से इन मट्टी में वो चौधरी तार बाबूजी तार भाई और तार बहनोई के खून मिला दिला अब बेटा अब ना वापस फिर से एक बट्टी खून में सनी फिर से खून में लाल होई लेकिन ये बार बेटा इमे हमार खून ना हमार खानदान के खून ना चौधरी खानदान के खून बही हम चौधरी के सर्वनाश जात हैं हम चौधरी के रोता बिलखता खून के आंसू रोता देख चाहते बस ये हमार आखिरी इच्छा बा आखिरी इच्छा अर्जुन अर्जुन बेटा बेटा तू जाना तरह ना
तू हमार सबसे दलरवा बिटवा बरा। तहार माई के आखरी इच्छा बा। अब बेटा फैसला तहार आदमे बा कि माई के ई दिन कब दिखाई बा, कब दिखाई बा। बर्बाद कर हमार फसल, अरे यही इस बूढ़े का सहारा है बिटिया, अरे यही फसल बेच कर तो हम अपनी बिटिया के ब्याह करे वाला है बेटी। ओए बूढ़े, हमें जोन काम कैले में मजावत है ना, वो कैले से केहू ना रोक सकत। देख कैसे सब चुपचाप खड़े होके तमाशा देखत हवे, तू भी चुपचाप खड़ा रह और हमरी कलाकारी पर ताली बजा। का हो रमैया काका, का भवा? चौधरी बाबू है, चौधरी बाबू कई समझा दे ये बिटिया के। बिटिया सारा खेत बर्बाद कर दी और तू ओके बिटिया बोला था? अरे इतने प्यार से अपने बेटी के भी बोला था का बिटिया? नहीं नहीं, तो फिर ऐसे नहीं हुई। बस बहुत हुई गवा, अब हम और बर्बादी ना हो दे। यू ब्लडी ओल्ड मैन, पड़ल उठा रमैया काका, उठा। अर्जुन बेटवा, हम बर्बाद हो गए, लूट गए, दादे दादे को मोहताज हो गए, अब हमारी बिटिया की शादी कैसे हुई? अर्जुन, ई चौधरी नागेश्वर की बेटी है, शहर में पढ़ाई करती है, जब जब गांव में आती है ना तो ऐसा नहीं उल्टी सीधी हरकत करती है। तू एकरे मुंह मत लगा, तोरे घर से वैसे भी दुश्मनी है, बात और बिगड़ जाए। मतलब कि तू ये बिगड़ेल घोड़ी के फिर से लगाम लगेबे? वैसे भी केहू बुजुर्ग के लात मारल बहुत बुरी बात है ना। इजी ए हु आर यू? आई एम अर्जुन। चौधरी के बिटिया फिरंगी भाषा बोले हैं। जोटा पकड़ा लगा। हमार हाथ छोड़, तू जानत नहीं हम के हैं। How dare you? Ouch! कहे कि तू एक लड़की हो, लेकिन लड़कियों वाले एक भी संस्कार तोरे अंदर ना हो। गरीबन के रौंदे कुचले की पढ़ाई तो तोरा बाप हवेली में करा था, और यही पढ़ाई तो शहर से सीख के यहाँ आई हो। हाँ, शहर से गधिया जैसे दुलत्ती मारल सीख के आई है। अरे कहाँ जात हो? Leave me, or else I'll kill you. ये कहा बोली अर्जुन? चौरंगी काका, ये बोला थे हमको जान से मार दे। अपने बाप पर गई। इका कर था वा? चुप, चुप करके खड़ी, समझी? आउच! ये भया हिसाब बराबर, आज के बाद के वो गरीब का खेत बर्बाद करियो तो ही याद आई। अब तू जा, निकल। इले रमैया काका, नहीं ऐसे तोरे नुकसान की भरपाई हो जाए। नहीं नहीं चाहिए हमें जेवर, नहीं तो चौधरी हमका जान से मार दे। नहीं, एक तो पहलवा तोहार दुश्मन है, अब हमरो दुश्मन बने होगा। रमैया काका, हम तो तोहार मदद कर थे। नहीं, ना चाहिए हमें ऐसा मदद। अरे बजा चाहे कुछ भी हो ही, लेकिन ओके किए की सजा ओके जरूर मिली। उस ससुरा दो ही टके का लौंडा समझत कहा है अपने आप का? हम ओके जिंदा दफनाई दे दार देव जमीन में, जो हमारी बहन के जेवर उतारने की हिमाकत कहला है। तो का नालायक, बाप पहले जेल में सड़ रहे, अब तो मारा मारे कह के जेल जाइयो। आखिर वो ऐसा काहे कहले है, एकर कौनो तो वजह होई? वजह हम बताई। भैया भैया, ई है वो लड़का। तू यहाँ तक पहुँच गया, तोरी हिम्मत कैसे भाई रे? तो मैं जान से मार दई। शमर छोड़ दोगे? हम कहते हैं छोड़ दोगे? बिचार हट।
प्रणाम बाबूजी। जयत्रा। बड़े बाबूजी, हम आप सबसे माफी मांगन आए। हमने आपकी बिटिया की जेवर उतारने की गलती किया। हम दुश्मनी या कोनो गंदी नियत से एक ही जेवर न उतारे। अरे ये तो बिना कोनो कारण मौज मस्ती में रमैया काका की फसल ट्रैक्टर से बर्बाद कराते रहे। बस वही नुकसान की भरपाई की खातिर हम एक ही जेवर उतारे रहे। लेकिन ये बेचारा तो सेवर लेना तो दूर, एक ही छूने की हिम्मत भी ना कर सका। जबकि एक ही घर में बेटी का ब्याह है, अब कैसे बची एक ही इज्जत, कैसे जिए एक परिवार। फसल तो सारी नष्ट हो गई। बड़े बाबूजी, पूरा गांव जानत है आप बड़े इंसाफ पसंद हैं। अब ये इंसाफ आप ही करें। ये हवे बिंदिया के जेवर, बस हमें और कुछ नहीं कहेगी। प्रणाम। प्रणाम दादी अम्मा। बिना समझियो कि तू बच गवा, अपनी मौत का इंतजार करियो, समझ लेगा? छोटे सरकार, इतनी बड़ी धमकी। रमैया। जी बड़े मालिक। अरे मूर्ख, घर में बिटिया का ब्याह पक्का करे हो और हमके बतौले भी नहीं का तोर बेटी हमार बेटी ना हो। ये बेटी के ब्याह का खर्चा हम दे दे। जा रवैया, जाके ब्याह की तैयारी कर। आप तो हमरे लिए भगवान स्वरूप है मालिक। जा रवैया जा, हम आशा करते हैं बिटिया आइंदा ऐसा कौन गलती ना करियो जन से हमार सर झुकी। बिंदिया। अरे ताती, आप हम क्यों बुला लिए हो तू? हम आ जाती। बेटा, हमें तो सिर्फ कुछ बात करे के हो। हाँ हाँ दादी, कहा ना, का कहे के हैं? बेटा, तोहार माई तुहे जन्म देके हम सबके छोड़ के दुनिया से चली गई। लेकिन हम और तुहार बड़ी अम्मा कभी तुहे माई का कमी महसूस नहीं हो दिली। हम जाने थी दादी। तब तो बेटा तुहे ये भी जाने की चाहिए कि आज जेवर जो वापस करे आई रहा ओकरे पूरे परिवार के तोरे भाई और बाप जान से मार दिए रहे। यही कारण तोरे पिता आज जेल में है। आप तो हल्का चाहते हैं दादी। हम सिर्फ ये कह चाहते हैं कि हम औरतन का काम दुश्मनी बढ़ावल नहीं, दुश्मनी कम कैल। बेटा, वो दुश्मन होके भी आज हमरे घर में आके दुश्मनी का कौनो बात ना कैलस। रमैया का फसल बचावे खातिर अपनी जान पर खेल के बेखौफ चला आयल हवेली में। ताकतवर भैल बेटा कोई गुनाह नहीं खे, लेकिन ताकतवर होके गरीब मजबूर के सतावल महापाप है बेटा। समझ लो बिटिया हम का कल चाहते हैं। हम समझ कही ली दादी। हमार लाडली। अरे आज तोहार बिटवा कमाल कह दिए रे। ऐसन का कर दे अर्जुन। अरे अगर आज तू वहां होती तो तुहार 5 किलो खून बढ़ जात। ईद देखे के कैसे अर्जुन ओ बेलगाम बेटी के हाथ पकड़े रहा, ओकर सारा जेवरात उतार दिया ले। सरे आम अर्जुन आज से चौधरी के खिलाफ जंग का शुरुआत कह दिया ले। जंग तो बहुत पहले शुरू हो चुकल बच्चा रंगे। अब तो बस ई जंग के अंजाम तक पहुंचाई हमार बेटा अर्जुन। और तो और दुर्गा भौजी, आपन अर्जुन चौधरी के हवेली तक पहुंच गवा रहा। का? हाँ दुर्गा भौजी, सुन ली है, अर्जुन सारा जेवरात बड़े सरकार के लौटा दिया ले। और अपने बदतमीजी खातिर माफी भी मांगे रहा। चारंगी, ये बात पहले कहने बता ले। अरे जैसे जैसे भवा वैसे वैसे ही तो बताए बे। अपन अर्जुन हवे बड़ा होनार, चौधरी के बेटी के अंग्रेजी में ऐसा डांट ले। लो आ गई ले अर्जुन, बड़ी लंबी उम्र है। का तू चौधरी की हवेली पे गल रहला? हाँ माई, वो चौधरी की बिटिया रमैया काका की फसल रौंदे रही, बस वही का हिसाब किताब करे गई रही। ज्यादा धर्मात्मा बने की कोशिश मत करा, दूसरों का हिसाब किताब बाद में करिया। पहले याद करा अपन बाप के, भाई के और बहनों के।
माई तू कहा चाहत हो? हम बंदूक उठाई लई चौधरी लोगन के जाके मार दई और जेल चला जाई, फिर का हुई ये घर का? अरे हम ही तो एक मरद बचल है ये घर में। बाबूजी बड़े भैया बहुत मेहनत किए रहे, उन लोगों का सपना रहल कि हमरे खेत में सोना लह रहा है। अब वो समय आयल है माई, हम वो सपना पूरा करबे। और तू कहा चाह तू हम कतले आम करके जेल चला जाए? भैया आप खाना परोस दें? ना बा, हमें भूख ना बा। अरे छप रही लो बलिया ही लो कलकत्ता ही लारे। तोरे कार एक बात पूछी? हाँ। तोरे दुश्मनों के सामने दुनाली ना चलत है और हमरा साथ बिस्तरा पे धाय धाय करेला। ए चंपा तू का हमें ताना मार रही है? अरे सरकार ताना नहीं मारत दिया, अरे आपके मर्दानगी को खुल्लम खुला लग करती है सरकार। ए मुनीम, वो ससुरा हमरी हवेली में चूहा के माफी कावा रहा और हम बिसंबर चूहा का शिकार नहीं करेला। अरे वह चूहा तो अपनी बिटिया रानी को जगह जगह से कुतर कुतर के गवा है सरकार। ए मुनीम जी आओ। आइए सरकार, हमके मालूम रहा सरकार आप यह कर पाए। अरे भगवान झूठ न बोला मैं सरकार, आखिर अर्जुनवा ने अपनी बिटिया रानी के बदन से एक एक जेवर तो उतर ली हुई ना, तो जगह जगह छोले तो हो ही ना। आप ही बात काहे नहीं सोचत है? ए मुनि जी वो हराम खोर अभी कहाँ मिली हो, हम ओका अभी टुकड़ा टुकड़ा कर दे। अरे सरकार सुनली है रमैया के बेटी का शादी है और शादी का सारा इंतजाम अर्जुनवा कैले है। ओका इंतजाम हम आज ही कर दे।
आई माँ। अरे चौरंगी काका तू? हाँ हम रात भर तोहरे वजह से सो न सके। हमरे वजह से? हाँ तोहरे वजह से, रात भर तोहरे बाप भाई बहनोई सपने में आके हमें सताते रहे। बोले पूछ के आवा अर्जुन से, वो हमरे खून के बदला कब ले चौधरी से। तब तू का कहला काका? अरे वो है तो जवाब मांगे आई रही, आज रात सपने में वो लोगन के का जवाब दी। वो लोगन से कहा कि हमरे सपने में आ गए, हम सारे सवाल का जवाब दे दे। ठीक है अर्जुन, तू कृष्ण हवा, सिर्फ उपदेश ही दे सकेला, अर्जुन के तरह लड़ाई ना कर सकेला। भैया माई खाना नहीं खाते हैं, कल रात से कुछ नहीं खेलन है। माई कुछ तो खाला। हमरा के भूख ना, तू खाला। माई के बिना कभी अर्जुन खाते का? हाँ माई, भैया भी रात से कुछ ना खाई ले है का? हाँ माई। हाय राम, सुबह से भूखे पेट काम करा तरह तबीयत खराब हो जाई था। कछु ना होई, जॉन बेटे के सर पे तोहरे जैसे माई का हाथ हो ओके कछु ना हो सकेला। माई माई बहुत भूख लागल बा, अब तो खाना खिलाई दा। ए अर्जुन आओ। ए का यार तो से कहे था आओ। का चाहत हो शंबर? अभी और इसी वक्त अपने और अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़ के चल जाओ। ये गांव हम सबके है, तहार बाप के जाकिर ना। ए बुढ़िया, औरतन के मुंह नहीं लगा था। देखा विशंबर, झगड़ा बढ़ा के कोनो फायदा नहीं, दुश्मनी जितना बढ़ावा उतनी ही बढ़त। अर्जुन ये खून के भाषा समझा था, एकरा से ओही भाषा में बात करा। माई झगड़ा कह के कोनो फायदा नहीं। देख भाई, हम तो से झगड़ा ना कर बे, तू जा। हम तो कर बे, हम तो झगड़ा कर बे। अरे तोरी हिम्मत कैसे भाई हमरी बहन के छूने की रे? वो कायर से का बात करे तरह, बात करे के बात हमसे करा। भाई अरे सीख ले कायर, अपनी मैया से कछे सीख ले। अरे सरकार डायलॉग बाजी बहुत हो गई, अब जल्दी से गप्पर सिंह का तरह एक दोनों हाथ काट दो, ना तो गाँव वाले इकट्ठा हो जाएंगे तो चौरंगिया फिर से दरोगा के लेके आ जाए। अरे ना रे मुनि, हम एक हाथ ना काटब, ये तो पहले से ही कटा पिटा हा। लेकिन हाँ, गहना उतारते हुए इस ससुरा ने जहां जहां हमारी बहन के छुआ है, हम एक ही बहन के हुआ हुआ छुबे। तू यहाँ खड़ा होके तमाशा देख, समझ ले का? चला मुनि तुझे दिखाते हैं फोकट में सिनेमा। चल शंबर मत कर ऐसन, मत कर ऐसन, बोल रही है तो काम मत कर। ये शंबर ¡Suscríbete! हमरी बहन की हाथ लगाई हो? नहीं, हमरी बहन की हाथ लगाई हो? हमें मत, तो के चीट दे साला। ए ए हमें हमें अबे हमें मत मार, हमें अर्जुन हमका, रुक जा अर्जुन, मार दे अर्जुन,
मार दे छोड़िए मत। अरे सुना था वहाँ हमरी हरी चूड़ियाँ लाल लिपस्टिक काजल बिंदिया सब खत्म हो गई। लिख ले भूलना चाहिए। ओहो जब देखा तभी मेहरारू कुछ न कुछ मांगते रहेली बड़ा परेशान बाटे हमें से। अरे लिख ले ना। सुन ले ली लिख भी ले ली जब अरे रस भाई हम यहाँ है तू वहाँ कैसे कहत है तो से हमसे हम भाई ना है रस भरी हाँ, लेकिन तोर भैंस जैसा आवाज सुन सुन के हम बाहर जरूर हो जा। तोरे शरीर का बाकी सब पार्ट पुर जाता खत्म हो ही गवाए अब बस कौन नक मुंह ही तो बचल हो। ओहो रस भरी अरे भगवान झूठ ना बोलावे तोरे साथ रह ना तो बाकी पुर्जा जो ना वो खराब हो जाए। का कहला कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा बोला क्या बोला तू हमारी लिपस्टिक खत्म हो गई चूड़ियाँ भी टूट गई। अरे हमरा जीता रस भरी त्यहाँ पर चूड़ी भी टूट डली रे। अरे तोहरी छाती पे पटक के न तोड़े है बर्तन खस खस के टूटी है और कुछ तो से होता है कम से कम इस सामान ही ले आवा। अरे रे 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 ई ले 100 रुपया तय खुद ही जाए के ले ले हमें चौधरी का हवेली जाए के। चौधरी के हवेली या चौधरी के साथ चंपावा के नाच देखे जाए के बा। अरे का बकवास कर रहा लही ते आए हाय सच्ची बतिया तो तोहे बकवास लगबे करी। तू तो चौधरी के यहाँ पेट भर के आए जात हो और यहाँ हाँ सारी रात भूखे पेट तक ऐसे लिपट लिपट के रात काटे थे। अरे अपन ही काए काए बंद कर हमके देर होती हम जात हैं। हाँ तू जाइबा तब ना के हुआ है लिपस्टिक लेला झुमका नाड़ा लेला अरे चूड़िया लेला लेला। अरे अरे चौरंगी अरे भैया तू ये बिसात खाना कब से शुरू कर दिया ला आज से है? मौका और मौसम देख के काम कर रही का मतलब तो ये चूड़िया चाहिए का हाँ हाँ हमरे लुगाई के चाहिए तोरे घर ही जा रहे ली। हमरे घरे मतलब तोरे घर के तरफ जा रहे ली। अच्छा वो हर जाता हो ना तो हमरी लुगाई के दे दिया उदेई का पैसा दे हम ओके देके आए ले ना ठीक बा उदेई तो हम ले लेबे का पैसा रस भरी ओ रस की भरी ईला तोहार सामान हमें हमार सामान दे दा तोहार सामान तो तोरे लिए हमेशा हाजिर बचा रंगी। अब देखा ना हमार मर्द मुनीम बा परो का सारा काम तो ही करत हवा। अरे वो मुआई तो हमके भेजा है तोरे पास चौरंगिया। अरे हम चूड़ी देवे के कल रहली डाले के ना हम डालत ना है हम तो नाप ले रहे ले है ना रसभरी। हाँ प्राणनाथ ई ले रहल हवे मैं दे रहल। अरे का नाप कलाई के पिछली बार बिना नाम के लाए रहे ना चूड़ी वो सब छोटी हो गई। अरे ससुरी तोके तो आजकल हमार सब कुछ छोट लागे था और ये बदमाश के साथ अंगड़ाई ले लेके और पकड़वा के कहत हो कि नाप दे थे रख दे चुपचाप वहाँ हम रात के डलवे चूड़ी तोरे कलाई में। अरे तोहरे डाले ही तो नाव। अरे चुप कर ससुरी। अरे चलोगे तू यहाँ कहाँ बैठा उठ जो यहाँ से एक बात कान खोल के सुन ले चौरंगी अगर हमारे घर पर दोबारा आई ले ना तो चौधरी साहब से कह के तोर गोड़ हाथ दोनों कटवा के फेंकवा दे मैं। अब निकल यहाँ से। का किया से डर पे छुड़ी निकल 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 चलिए हम तो यहाँ है तो एक बात सुन ले रस भरी ये चौरंगिया का सूरत हमके तनी को पसंद नहीं। हाँ
का मैम साहब, आज हमरे खेतन को रौंदने का राधा है का? नहीं, उसे भी खतरनाक राधा है का? नहीं नहीं, हम तोहर शुक्रिया अदा करे आए हैं। कौन है बात के? तू बड़े बाबू जी के कहले पर हमरे भाई के जान बख्श दिया ला, जबकि जबकि हमरे ही बाप और भाई तोहरे परिवार के लोगों को मार डाले रहे। तो तू ये सब जानत हो? तो आज एक बात यही जान लो मैडम, फसल किसान के बच्चों की तरह हो गए, तोहरे जैसे मगरूर लोग जब फसल रौंद देते तो किसान के बच्चे की हत्या उनके सामने हो जाते, ऐसा करके काम मिल जाते तोरे लोगन के, थोड़ी चौधराहट और बढ़ जाए बस ना, या और कुछ? अरे हमरे घर में आके देखा, हर तरफ आंसू ही आंसू, दर्द ही दर्द है, केहू गरीब की हाय मतला लग जाते। वो दिन हम तोरा हाथ नहीं पकड़े रहे, बल्कि एक गरीब किसान के निवाले पर तो ही पांव रखले से रोके रहली। हम अपनी वह गलती के लिए तोसे माफी मांगत हई अर्जुन। तोहे अपनी गलती का एहसास हुई गौर, इतना ही काफी हो, अब तू जा, कहीं तोरे घरवालन ने तोहे हमरे साथ देख लिया तो आफत आ जाए। ठीक बा, अच्छा तो अब हम जाते हैं। हाँ जा। माहौल गरम हो गई बा, अरे तू का हिला था, गलवा कट जाए तो वस्त्रा घुमाए के। अब का भया? तू हमें अच्छा लगे लगला हो? माहौल तो गंदा हो गई है, अरे भागा। हाँ, हाँ, हो, सच्ची। अब
अब तो हमरा से रची को ना होए इंतजार चुम्मा दे तो कोरिया चुम्मा दे तो कोरिया चुम्मा दे तो कोरिया चुम्मा दे तो कोरिया माने अब न माने रानी मोरा जिया बेकरा है नागेश्वर गांव में सरेआम हमारे दुश्मन के भाव में रासलीला रचावत रही। हम कुछ दिनों खातिर जेल का चली गई नहीं, घर की सारी मर्यादा ही खत्म हो गई। अरे ऐसा कौन सी मर्यादा खत्म हो गई नागेश्वर, ऐसा क्या कर दिया है भैया ने? सारा गांव देखे ये अर्जुन के साथ नैन मटक्का करत रही। जवान समाज के वो विशंबर अम्मा, ये हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाई है। अरे चिंता की बात नहीं बाबूजी, हम है ना खामोश। घर में कदम रखते ही खून खराबे की बात शुरू कर दिए। क्या बात है तो बोल मेरे बच्चे, सच्चाई कहाँ है? हम सुन रहे तो सच्चाई, डरा मत तू, बोल। बोला बोला तू। मेरी बाजी, मेरी बाजी, हम अर्जुन से प्यार करे लागी। ये प्यार कब और कैसे हुई कबा, हम कभी ना मारे। अभी तो आपने आधी सच्चाई सुनी है बड़े बाबूजी। बाकी की आधी सच्चाई है कि हम भी बिंदिया से उतना ही प्यार करेला जितना कि बिंदिया हमसे करेले। रामखोर, तोरी ये औकात, तू हमारी बेटी से प्यार करी हो? आप अर्जुन के ना मार सकत हो, सामने से हट जाओ बिंदिया, वरना हम तोके भी मार दे। मार दो बाबूजी, हमका हम अर्जुन के साथ जी तो ना सकत है लेकिन मर तो सकत है। अगर हमार प्यार सच्चा होई तो मर के भी जिंदा रहे। जिंदा रही तले नागेश्वर, पागल हुई गवा का ना बिंदिया, हम यहाँ तोरे परिवार के दुख पहुंचावे ना आए हैं। हमरा प्यार इतना खुदगर्ज ना हवे कि इतने लोगों के दुख पहुंचावे। बड़े बाबूजी एक बात बोली, हम हमरे घरों की दुश्मनी भी हमरे जोनो प्यार को रोक ना सकी। ओ प्यार को शक की नजर से देखल भी उचित ना हुई। दुश्मनी में प्यार के खातिर कोनो जगह ना हो, ऐसे पहले कि हमारा घर तोरे खून से गंदा हो जाए, निकल जो यहाँ से। अर्जुन हम तो है एक पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का समझ रहे, हमें तोरे अंदर कब दुश्मन नजर नहीं आवत रहे।
लेकिन आज तुमने धारणा में गलत साबित कर दी। ना बड़े बाबूजी ना, हम आपकी धारणा गलत साबित ना होवे दे। हमसे गलती हो गई, हम प्यार कर बैठे, हम समझत रैली की हमारा प्यार दोनों घरों की दुश्मनी मिटो लेके काम आए। खून खराबे की दास्तां हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन हम गलत साबित हो गए। हम आपसे वादा कर रहे थे हम आज के बाद विद्या से कभू ना मिल गए। दुर्गा भौजी, आदमी प्यार में अंधा हो जाता है। अब देखा ना, सारा गांव देखत रहल कि अर्जुन और बिंदिया कौने तरह प्यार की पिंगे मारत रहे। अर्जुन के तो त्योहार बर्बादी दिखाती नहीं। दुर्गा भौजी, कबो कबो हमके लागत है कि अर्जुन के शहर में पढ़ा लिखा के तू अच्छा ना कहलू। चरम जाते ही हम जाते ही, और कुछ खबर मिली तो जरूर आके बताए। अर्जुन तू आ गई ला, अर्जुन आ गए। अर्जुन, चौरंगी जो कह रहल बा का सचा? हमें का पता चौरंगी का कहत हवे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बेटा चौरंगी, तू जाई तो कहां जाई? का तू नागेश्वर की बेटी से रिश्ता जोड़े जाता रहा? ए में बुराई का है माई, हम बिंदिया से प्यार करत हैं और उसे ही शादी करवे। का इतना जल्दी सब कुछ भुला गईला? जे लड़की के बाप तार माई तार भौजी तार बहन के मांग उजाड़ देगा, ओकर बेटी के मांग में सिंदूर भर बतो? माई, ये सब बातों का कोनो मतलब ना हवे। हम बड़ा हो गई ली, आपन भला बुरा हम खुद सोच सकीला। अच्छा हाँ, ठीक कहला तू। सुन ले रही कि जब पंख में ताकत आ जाएला तब पंछी का बच्चा घोंसला छोड़ के उड़ जाएला। हमरा के का मालूम रे कि हमार अपन मिटा। एक बात कहीं अर्जुन, तरह के जन्म देते वक्त इतना दर्द ना भेल जितना आज तरह के जवान देके हो रल बा। का करी माई है ना, पदुआ तो ना दे सकेली। लेकिन हाँ बेटा, आज से आपन माई से तू आगे उम्मीद बिन मत रखिया। निकोड़ा सारा दिन चमचा गिरी करत करत इतना थक जाते, रात में बीवी के लायक भी ना रहे। चौधरी साहब हमके सपना में लात मार ले। चौधरी नहीं चौधराइन, अपनी नागमुन के मशीन बंद करा, हमें भी सोए के है। अच्छा अच्छा ठीक है रसभरी, तू बाहर जाकर सुत जो, हमके भीतर सो दे जो जो। अरे कैसा मरे थे, रात में आपन जवान लुगाई के बाहर सोवे के भेजत है। वैसे भी इनके पास सोवे से का फायदा? रबड़ी ले ला रबड़ी। चौरंगी हम आवत है, चौरंगी चौरंगी। अरे पौरा गली कर है तू दे हले चौरंगी। रसभरी चरंगी रसभरी रबड़ी लाए हैं,
तोहार मन पसंद रबड़ी। बुड्ढा बिस्तर पे ट्रैक्टर चला रहा लो का? तीसरे गियर में बा। चौथे गियर में पहुंचने से पहले रबड़ी खा। यहाँ बैठ के खा। I love चुचरंगी। अरे वाह, गिरंगी भाषा बोलो थो का। एका मतलब का हा? पता नहीं, लेकिन फिल्म में हीरोइन हीरो के बोले रही। हमरी हीरोइन रबड़ी खा। कौन से रबड़ी मतलब हा? का है? ये लिए कि अब मीठा ना ही खट्टा खाए के मन करत है। काल से कच्चा और इमली लई हा। ये अचानक का हो गई तो के? बुद्धू, हमरे पाँव भारी है। पाँव भारी है तो फिर? पाँव भारी है? सच्ची? एक बात बतावा। हाँ? ये कर असली हकदार के है? हम की ऊ? हम के शरम आवत है। रहना रहना मत बतावा। तराजू कौने तरफ झुकल बा? जब तराजू के ही मालूम ना है तो हम तो एक पलटा है। मतलब अरे कहाँ मर गई रे ससुरी? लागत है ट्रैक्टर इधर ही आ रहा बा, हम चला तो ही चरंगी। हम चोरंगी नहीं। ई कह रहे? अरे बाप रे, रबड़ी का दोना ई तो के दहलस। हम नाम ना ही पूछ ली, रबड़ी अच्छी लगी ले ली। ले ले आज से तू बाहर ना सुधबू, बेहतर सुधबू। चल हमरे साथे, हम रबड़ी खिलाए तो के। अरे चल, अरे चल चल। भगवान झूठ न बुलावे सरकार, हमके तो ऐसा लागत था कि जैसे आपके जेल में रहे के आदत पड़ गई होगी। जब से आप जेल से आए नहीं, घर ही में बंद रहत हुई। 24 घंटा घर में बंद रहल जेल में रहले के बराबर है ना सरकार? मने जी सरकार, ये सब हम ये लिए कर रहिल है ताकि हमारे दुश्मन गफलत में पड़ जाए कि हम उनकर गलती भूल चुकल है, समझे? वरना नागेश्वर चौधरी ऐसा नपुसक नहीं है कि उन लोगों के भूल जाए जे हमरी इज्जत से खेला हो। मुनीम जी सर, हम ओकरे खानदान का नामो निशान मिटा देबे जो हमरी बहन के छूले के हिम्मत कैले। बाजी, आप लोग अर्जुन के मारे खातिर जा रहे हैं, हमरी वजह से आप अर्जुन के जान लेल चाहते हैं। लेकिन बाबूजी भैया, हम अर्जुन की मां का कारण ना बनबे। हम ही जहर पी चुके हैं सरकार। विद्या रानी ठीक कहत है, जहर का सिरची हाथ में बा। विद्या बच्ची, हमरे बच्ची, ये तूने क्या कर लियो रे हमरे बच्ची? विद्या विश्वंभर, जीप निकाला जल्दी। चलिए सरकार, जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब आ गए, हमारे बेटे की तबीयत कैसी है? चौधरी साहब, जहर काफी फैल चुका था, लेकिन टाइम पर आ जाने से जहर निकालने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। ओ भगवान। लेकिन चौधरी साहब, बिटिया रानी का ध्यान रखिएगा, वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। हमारी सलाह माने तो बिटिया रानी की इच्छा पूरी कर दीजिए। दुर्गा भौजी, दुर्गा भौजी। तोरे दरवाजे पे क्या आई रवे बड़े चौधरी, तोरे लिए खुशी के दिन। दुर्गा, हम दोनों खानदान के दुश्मनी खत्म करे आई लें। अच्छा चौधरी, तीन टोकरी में हमार घर के तीन मर्दन के जिंदा करके लाइल बारू, जिनकर खून बहा के ई घर की औरतन के सिंदूर पोछल गेल बा। बड़े सरकार। देखा दुर्गा, हम जानत हैं तोरे साथे बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म हुआ रहा, बहुत जुल्म हुआ रहा। ओके नुकसान के भरपाई चौधरी खानदान कबो पूरा न कर पाई।
ओकरे खातिर तो ये जख्म के खातिर मरहम लगावे के हम यहाँ आए हैं। दोनों परिवार का मिलन हो जाए, आपसी दुश्मनी खत्म हो जाए और आने वाली नस्ल लव लोहान भैले से बच जाए। कमाल के बाद बा, एक भाई तक खाव दे वेला और दूसरा के ऊपर मलाम लगावेला। दुर्गा तुम हमके भी नागेश्वर जैसा समझा तो कैसन समझे चौधरी साहब? अरे गांव वाले कहता कि बड़ा भाई राम जैसन और छोटा रावण जैसन है, लेकिन गांव वाला बेचारा ही कहां जाना था कि राम और रावण कभौ एक घर में जन्म ना ले सकेला। दुर्गा हम अर्जुन के लिए बिंदिया का रिश्ता लेके आई है। चौधराइन, जे घर की औरतन के नसीब में तू लोग सफेद साड़ी लिख दे लो, ओही घर में अपन बेटी के सुहाग के जोड़ा पहना के भेजे चाहतरू। अरे आग लगे तहार बेटी पे और ओकर सुहाग के जोड़े पे। दुर्गा चिल्ला मत चौधराइन, चिल्ला मत, चिल्लाई के बाना तो जा जा अपन हवेली में चिल्ला। बड़े सरकार, हम अपनी बिंदिया के तोरे खातिर रिश्ता लाए रहली। बड़े बाबूजी, हम सब सुन चुका है, हम भी बिंदिया से बहुत प्यार करीला। अगर आप हमें बिंदिया के लायक समझत हैं तो हम भी शादी करेगा तैयार हैं। अर्जुन, आप चाहें और शादी की तैयारी करें, हम बारात लेके आए। जियत रहा बेटा, जियत रहा, तो था हमार जिया खुश कर। जियत रहा, जियत रहा बिटवा। बेटा चौरंगिया, खिसक ले यहां से, यहां कौनो भारी आफत आई। भाई वो आज तू हमार को कलंकित कर दे रहा हो, पर हाँ आज तरह के फैसला लेवे के पड़ी कि तरह के माई चाहिए या उस चौधरी की बिटिया।
रहा बेटवा, जोड़ी सलामत रहा। बड़े बाबूजी, अब हमें विदा करें। काका, तू बिंदिया को अपने साथ घर ले जाएगा? ससुर जी, अगर बिंदिया अपने ससुराल ना जाए तो हर कहां जाए? हाँ, लेकिन तोरी माई बिंदिया को कबूल करी है? हाँ, अगर वो कबूल ना करी है तब वापस यहाँ आवे के है ना? हाँ। तो अच्छा है कि यही रह जाओ। हाँ, माई के हृदय बड़ा विशाल होले, और कोनो भी माई अपने बच्चे से जीवन भर रूठी ना रह सके। और फिर ये लड़ाई तो माई बेटे की आपसी लड़ाई है। ठीक है बेटा, हमने तो अपने बेटी तोहे देखे अपना फर्ज निभा दिया, अबे के खुश रख लगे धर्म त्योहार है। हम अपन धर्म अच्छे से निभाए। तो भगवान कृष्ण की तरह राजनीति के सुदर्शन चक्र घुमाए रहल बा। ई तो गलत कर रहल बा अर्जुन। हाँ, ई तू गलत कहला चौरंगी। हम लड़के वाला हई, कुछ भी गलत कर सकत हई। अरे हम लड़की वाला हई, एलिए हम कुछ ना कर सकीला। मत मानिए, कुछ दिन घर में सब ऐसे ही चली, बाद में सब ठीक हो जाए, हम सबका मनाई ले। अर्जुन, हमकी तो हर साथ चाहत रहा, वो हमें मिल गई। अब चाहे रास्ता में कांटा मिला या फूल, चले के तो हर साथ ही बा। खटिया से हो जब खटिया से हो जब खटिया से खटिया सटी जाए, जब खटिया से खटिया सटी जाए, चैन से सारी रतिया कटी जाए, हो जब खटिया से खटिया सटी जाए। दूर
राजू को एक ग्लास दूध दे दे। सब ठीक बा, तू जा। अर्चना, कछु ना हुई, तू जा। अम्मा जी, अम्मा जी, हम क्या आशीर्वाद दें? जेकर बाप हमार बेटी हमार बहू के सुहाग उजाड़ देला, ओकर बेटी के हम आशीर्वाद दें। अरे तरह के आशीर्वाद देवे के मतलब बा कि हम तहार बाप के माफ कर देनी। अम्मा जी, अब हम आपके बहू हैं। बहू? कैसन बहू? अर्जुन, अर्जुन मायका कहा था ही? माई ठीक कहते हो बिन्दु। अगर माई तुम्हें बहू मानने को तैयार ना है तो तू ही घर की बहू नहीं बन सकती। तू कहाँ था बार? अच्छा, हमने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए हैं। हमरी कलाई में तुम्हारे नाम की चूड़ियाँ हैं। हमरी मांग में तुम्हारे नाम के सिंदूर बा। और गले में तुम्हारे बंधन के मंगलसूत्र बा अर्जुन। सब उतार के फेंक। अर्जुन! देख, देख, देख इन तीन जन का रोवत रोवत इनकी आंख के आंसू सूख गए। ये हमारी माई, हमारी भौजी और वो हमारी बहन। देख एक हाथ से, देख
अरे कतु गोना बिना भवारा अपने पति का मुंह भी ना देख पाई और आज विधवा हुई के पति के वियोग में रात दिन से तक रही लबो। अर्जुन अर्जुन हम तो हर पत्नी हैं। थी थी आज यही वक्त तो हार परित्याग कर था। नहीं अर्जुन नहीं, तू ऐसे नहीं कर सकेगा अर्जुन। नहीं अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन। जेल वियोग में हमारी माई भौजी और बहन रो रही हैं, वही वियोग में तू भी रोएगी। तभी तो एक चालिम बाप और भाई के एहसास हुई कि वो हमारे परिवार पे कितना अत्याचार किए रहे। नहीं अर्जुन ऐसा मत करा अर्जुन, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं अर्जुन। माई तोरा बेटा काया नहीं माई, तू क्या समझत रह ली कि हम तोरे पे अत्याचार करने वाले लोगन की माफ कर दे। ना माई ना, हम चौधरी से तोरे एक एक आंसू के कतरे का हिसाब लेब, हमका माफ कर दे माई। हम तोरा बहुत दिल दुखा रहे हैं, हमका माफ कर दे। हम तो सिर्फ सिर्फ तोहरा बेटा हूं भाई, सिर्फ तोहरा बेटा। बस अब हमारी एक इच्छा पूरी करना, चौधरी नागेश्वर की बुटिया की बांह पकड़ के इस घर से बाहर फेंक। अम्मा जी आप हमें अपने घर से मत निकालिए। अम्मा जी हमें घर से मत निकालिए, हम आपके पाँव पड़त हूँ। अम्मा जी आप जैसे रखे हम वैसे रहे, कोने भी कोने में पड़े रहे। अब हम कहाँ जाएंगे अम्मा जी? ए माई, हम तो उसे पहली बार कुछ मांगत हैं, हमरी ये इच्छा पूरी ना करियो। Oh,
अखिया से बरसे आंसुओं की धारा, नैया भंवर में है रे किनारा। अखिया से बरसे आंसुओं की धारा, कतहु न सूझे अब उजियारा। केकरा से मांगी जाई के सहारा, कतहु न सूझे अब उजियारा। रहने सुहागन, रहने सुहागन, बिरहन भेस रे निर्मोहिया रे। जाई ता जाई हम कौन देश रे। जाई ता जाई हम कौन सब ठीक हो जाए। हम वो कंगना का जान से मार देबे, जान से मार देबे, जोने घर से वो हमारी बहन को अपमानित करके निकाले है, वो घर को फूंक देबे, जला के राख कर देबे। शंबर, कौन सा घर फूंक देबे तू? वो घर जोन तेरी बहन का ससुराल होबे, कैके मारे हो? ओका जोन तोरी बहन की मांग में सिंदूर भरो, विधवा बनाई है अपनी बहन के, विधवा बनाई बना सकत है का? भाई साहब, अब जानत है वो अपनी बिटिया के साथ का कहिल है? रात भर अपने घर में रख के सवेरे हमारी बिटिया के बाहर निकाल दिया है। आप जानत है ये कमीनगी का मतलब? जानत है नागेश्वर, अच्छी तरह से जानत है। घर से वो परिवार वालन के चोट और अंशु मिला है, उकर ज्वाला मुखी तो फूटना ही रहा एक दिन। लेकिन अगर बदला लेना ही रहा तो हमसे लेत, हमरी बिटिया का कसूर रहा? एक कसूर है कि ये तुहार बेटी है। अच्छा नागेश्वर, अगर अपनी बेटी की डोली ओकरे घर में भेज सकत हैं, तो ओकरे घर में बच्चे कुचे लोगों की अर्थी भी उठा सकत हैं। नागेश्वर, अब सब बर्दाश्त करके पड़ी, काहे कि तू एक बेटी का बाप चाहो। अब चौधरी जैसे नहीं, एक बाप जैसे सोचे के पड़ी कि अब का करियो। का करी, का करी, का करी, कोनो कोनो में जाके छुप जाई। देखा नागेश्वर, जल्दबाजी में उठावल कदम हमेशा गलत साबित हुई, समझदारी से कदम उठाए के पड़ी। अब अर्जुन से हम खुद मिल बे। असली सोने के है ना चरंगी, सूंघ के देख ले। हाँ। हमें ही सूंघ रही है। असली है यो, असली है। चरंगी एक बात बतावा। हाँ? तोहरे पास इतना पैसा कहाँ से आवत है? अरे हर क्यों जानत बा, गाँव वालन के बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल के फीस, हमी तो भरे जाएगा। मतलब फल खा, पेड़ मत गिना। ए चरंगी, तू हमारे के इतना ख्याल रखेला है? और वो एक हमार बुढ़वा हो ना, कुछ भी ना कर। अरे तभी तो हम करत है। सिंह मत मार, सिंह मत मार। इले का है? हार के बिल मुनीम के देगा। दे देवे। ए चरंगी, हम जानत है नागेश्वर ने तुम्हारे परिवार के ऊपर बहुत जुल्म कर लिया हुए है, ओकी सजा नागेश्वर के मिले के चाहिए विद्या के नाई। बड़े बाबूजी, हम आप लोगों के जैसे बंदूक चला बिना सीखे गई नहीं केहू के मार सकत है, लेकिन इतना बेगरत भी नहीं है कि अपने बाप भाई और बहनोई की हत्या के माफ कर दे। हम कब कहे हैं कि तू माफ कर दे बिटुआ, लेकिन एक बेकसूर मासूम बिटिया के सजा भी तो मत दे। बड़े बाबूजी, घुमा फिरा के बात करने का कोई फायदा नहीं, ये फैसला हम बहुत सोच समझ के कहले हैं।
विद्या की खातिर हमरे घर में कोनो जगह नहीं। बड़ी चौधरी, जे नसीहत रउआ हमरा के दे रहल बानी, अगर ओकर आधो नसीहत आप छोटे भाई के देहल होती तो आज ई दुश्मनी ना भइल होती। हम तो हार आ गया, हाथ जोड़ से बिटवा बिंदिया के ले आवा, ओ तोहरे बगैर ना जी सकी। ई ओ की बदनसीबी है, हम कछु ना कर सकी ना। ये तो हार आखिरी फैसला है। पहली बार तो हम फैसला कर ली है और वो भी अटल है। तू अब दुई परिवार के पंचायत में घसिल चाहत हो। ये फैसला आप लोगों की करे के है। हाँ ला भाई चौरसिया, बनाई दे हमार पान। अब ही देते हैं। हाँ। चौरंगी भैया, हाँ? तू पंचायत में ना गेला? हमें पहले से ही मालूम है कि वहाँ का हुई, तो फिर जाके का फायदा? का हुई पंचायत में? हमेशा की तरह पंच लोग चौधरी के हक में फैसला करिए, लेकिन ये बार वैसा ना हुई जैसा हर बार होता रही। हम सब पंचों के फैसला हो कि दुर्गा देवी 15 दिनों के अंदर अंदर अपने बहू के घर ले आवे। अब खड़ी भई दुर्गा भौजी। हम पंचायत का फैसला माने से इनकार करते हैं। पंचायत के फैसला न मानने का मतलब समझा था दुर्गा? समझा था, अच्छे से समझा था। हमेशा से देखत बानी कि आज तक ये पंचायत चौधरी के खिलाफ कभू एक को फैसला सुनाया ला। तू सब लोग चौधरी के पिट्ठू हुआ। सरकारी पिट्ठू का होला? दुर्गा पंचायत के फैसला तो अब नहीं बदले। अरे तोरे लोगन के फैसला बदले की के कहदवा? अब थोड़ी देर में चौधरी उठे वाला है। अपन ही फैसला संभाल के रख दा चौधरी की तिजोरी में। उठा अर्जुन, जुबान संभाल, यही काम दे। नागेश्वर बैठ जा। भाई साहब ये हम करीता है, बैठ जा। का हो चौधरी बैठी है? बिटिया के मामला है, बैठना ही पड़ी। अर्जुन तोहार दुश्मनी चौधरी के साथ रहल ना कि इनकी बिटिया से, एक औरत के ये तरह से अपमान कहीं अच्छा नहीं। अच्छा तो का कसूर रहल हमार, हमार बिटिया के, हमार बहू के? बतावा का है भाई हमारा अपमान? का हम लोग औरत नहीं का? तब ये पंचायत कहाँ रहल? अरे झगड़ा तो जमीन का रहल ना, तो फिर हम सबके मान का है उजड़? बतावा मत सिखावा ही कसूर के परिभाषा हम रखे। अर्जुन हमार बिटवा जो कर ले हो बिल्कुल सही कर ले हो। तो हम मान ले कि तू पंचायत का फैसला न मनबू? मान ले? अरे देर कर ले की कोनो जरूरत नहीं, और हमें सजा सुनो लो की गलती भी मत करियो। काहे कि हम गांव वालों के जैसे अनपढ़ जाहिल गवाह ना है, पढ़ा लिखा है, और हमें मालूम बा कि थोड़े लोगों की पंचायत के ऊपर तहसील और जिला अदालत है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अरे हमें तो 8 साल लग गई अपनी जमीन वापस लेने में, अरे चौधरी की तो 20 साल लग जाए अपनी बिटिया के हमरे घर भेजने में। hey, अर्जुन! Hey! 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 चुप कर कब बैठा रहे साले साहब? खेत की पिटाई भुलाई गई क्या? ये पूरी पंचायत के सामने फिर वैसे मार गए और ये पंचायत कुछ ना कर सकी। बात बात में खड़ा हो जाते बाप बेटा। अब तोहरे नाम जिंदगी लिख दहली हम दिल
जानी अब तोहरे नाम तोहरी बहिया में सुबाहो तोहरी बहिया में शाम तोहरी बहिया में सुबाहो तोहरी बहिया में शाम
बिंदिया, बिंदिया तू यहाँ? अपने घर से ही तो निकाले हवा, लेकिन तुम्हारे दिन में अभी रहा था। हमके पता है तो अब भी हमसे उतना ही प्यार करेला, लेकिन ये समय तो अपन फर्ज निभावत हवा, और हम तो है ऐसे ना रोक पे। जब तू ये सब जानत हो बिंदिया, तो यहाँ इस तरह आने का काम मतलब हो? हाँ ये सच है कि हमरे प्यार का रिश्ता आज भी जिंदा बा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता शायद ही कबू कायम हो पाए। अर्जुन, पति पत्नी का रिश्ता इतना आसानी से खत्म नहीं होता है। ये तब खत्म हुई जब हम खत्म हुई जाएंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तोरे पत्नी बन कीजिए बे। अपना जानत है कि हमरे नसीब में का लिखल हो, लेकिन ये जरूर जानत है कि हिंदुस्तानी लड़की सिर्फ एक बार डोली चढ़े ले। अर्जुन, कल करवा चौथ है, तोरे लंबी उम्र खातिर हम व्रत रखते। तू भले ही हमें यहाँ ना बुलावा, लेकिन जब तक तू हमरे घरे ना आएबा और अपने हाथों से पानी ना पिलाएबा ना, तब तक हम व्रत ना तोड़बे। चाहे तोरे इंतजार में हमें जान ही काहे ना चली जाए। पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया राम जी। क्या बात है, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही इटलाई रही। बुड्ढा कुसट घर पे नहीं है करे लिए का? की बात नहीं है, कल करवा चौथ हो ना। हाँ, एक लिए आज से तैयारी करे ले का। हम तोरे नाम के व्रत रखते ताकि हमारी जोड़ी छह जन्म तक बनल रहे। छह जन्म तक? सब तो सात जन्म के बात करे ले। एक जन्म के करे साथ है, एक जन्म बीत जा रहल बा तोरे साथ। हो गए ना सात जन्म। तोरा हिसाब पक्का है? हमार तो सब कुछ पक्का हो। मालूम बा। कल शाम बुढ़वा से पहले घरे आ जाई हा, तो और मुद्दे के अमृत खोल बे। ठीक बा, हम जरूर आ जाई बे तोहार खोलने व्रत। व्रत बिटिया, हम तो के करवा चौथ व्रत रखले से ना रोके थे, लेकिन जेकरे लंबी उम्र खातिर तो ये व्रत रख रहा है। अरे वो तुहार व्रत तुड़वाए ना आई बिटिया, ना आई। बड़ी अम्मा, हम औरत हैं, हम तो अपन धर्म जरूर पूरा करते, लेकिन कुछ ही दिनों खाते। बिसम्मल, जवान संभाल के। बहन से ऐसे बात करने की चाहिए? सच कहते दादी माँ, एकदम सच कहते। व्रत रखना है तो रख ले व्रत बिंदिया, रख ले व्रत। लेकिन ये व्रत का फल ऊ अर्जुन की मौत हुई। भैया कम से कम आज के दिन तो ऐसन बात मत करा। तो के का लागत है बिंदिया, उकायर बुजदिल तोर व्रत तोड़वाने खातिर ही आई का? हाँ, वो जरूर आई, वो हमसे सच्चा प्यार करे ले। काश ओकर प्यार सच्चा होए, और हम ही सच्चे प्यार का खात्मा आज ही कर ले। चौधरी साहब, अगर आज जल्दी छुट्टी मिल जाए तो हम अपने घरे चल जाएं। तोर खड़ा रहे काहे? वो कहे कि हमारी लुगाई न हमारी लंबी उम्र खातिर व्रत रख ले बा, हम ओके पानी पिया के ओकर व्रत तोड़ल चाहत है। तो के ही तोड़वा दे। ए, ठीक से दबा। नहीं मुनीम, नहीं, आज रात तू यहीं रहियो। वो कहे छोटे सरकार, आज की रात तू कायर हवेली में आ सकत हो,
बिंदिया का व्रत तोड़वाने खातिर। ए मुनीम जी सरकार, अपने आदमियों के साथ हवेली पे नजर रखा। सरकार अगर आज का रात हम यहाँ रह पाए तो हमारी रसबरी तो भूखे मर जाए। अगर तू हमारी बात ना ही माने हो तो वो विधवा भी हो सकत है, समझ ला का? विधवा चली सरकार। नहीं चली सरकार, हम यही रह पाए ओकर इंतजार करवे जे कबो न आवे वाला बा। का चरंगी कुछ बात करे के बा हमरा से? दुर्गा भौजी, बिंदिया भी करवा चौथ के व्रत रख ले बा तो? अर्जुन खातिर, अर्जुन अगर अपने हाथ से व्रत ना तोड़वे हैं तो अन्न जल त्याग देई, भूखी है मर जाई। तब मर जाए चरंगी। हाँ? अर्जुन हमार बिटवा बा। हाँ? तहार तरह ढुलकी ना। हाँ? कि कहीं भी बाजे लागी। दुर्गा भौजी, ढोलकी कहत हो में कौनो बात नहीं, कह सके न, हमसे बड़ी हो ना, हम चली जा। ए, पलट के मत आइए। ना दादी, अर्जुन अपने हाथ से हमके पानी पिलाए रहे। आज हम खूब खाए भी, आज हमरे प्यार की जीत भाई अर्जुन आए रहे। आज हम खूब खाए भी, आज
चौधराई जी, ऐसी हालत में बिटिया का खाली पेट रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। का मतलब हमको समझ ली नहीं? अरे ये माँ बनने वाली है, और अब नानी, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा कीजिए। चौधरी साहब मुबारक हो। लड्डू खाई बे? ये मैं हमार का कसूर है, हम का कह लिया? छोटे सरकार बधाई हो। यह भी दोनों का लाल कर दिए, ये घर में लाला पैदा हुई। अरे चौधरी साहब से कहत रहे कि केहू ना आई, फोकट में रात भर 1, 2, 3, 4 छत के ऊपर करवा दिया है। बाप रे बाप, अरस भारी। अरे उठा देखा हम आ गईली। आ गईला प्राणा? हाँ हम आ गईली रस भरी उठा। अरे तो हर व्रत खुलवा दे ही। खोल ली का? खोल लिया ली? अरे हम तो वहाँ चौधरी का हवेली पर हली, यहाँ तू कहकर मुंह देख के व्रत खोल ली है रे। सपनों के ना, सपनों के ना यानी प्राणा एक का मतलब है जैसे बिंदिया अर्जुन के अपन मन के अखिया से देख के अपन व्रत खोल लिया ले, वैसे हमारी रसभरियो हमके अपने सपना में देख के व्रत तोड़ लिया। वाह वाह रसभरी, पति व्रता का मिसाल हो तू एकदम। अरे बाप, व्रत के साथ साथ अब हूं के तोड़ दिया ले। सजना है मुझे चरण लाल की लेली, ले पेड़े खा। हाँ। ये और एक ले। अरे एक एक कहे दे तो पूरा ही दे। अरे नहीं नहीं, पूरे गांव में बांटे के हो का? इस पेड़ा हमरे लिए नहीं लाए। अरे खबर ही ऐसा नहीं कि पूरे गांव में पेड़े बांट रहे हैं। कैसन खबर? चौधरी नाना बनने वाला वे। तू इनमें इतना खुश काहे हो रहा है? इनमें तो रही हाल। का बात कर रही? इनमें हमार हाथ भी नहीं है और पांव भी नहीं है। चौधरी के नाक कट रेल बा। अरे ओ का सारा घमंड अर्जुन तोड़ दिया ले, यही खुशी में हम पेड़े बांट रहे नहीं। चौरंगिया हम चले कहीं। अरे हमके देखता भाग ले हले रस भरी है। इका अब दिन में भी पेड़ा खियावे लागल। खुशखबरी ही कुछ ऐसा है। खुशखबरी? अरे हमरे घर में खुशखबरी और पेड़ा बाहर वाले बांटत हैं। अरे का गड़बड़ रस भरी? हमरे ठंडे शोले ऐसा कोनो बात नहीं है जैसा तू समझत हो। बधाई हो, बधाई हो दुर्गा भौजी, बहुत बहुत बधाई हो। दुर्गा भौजी तोहरे घर में एक और पोता आने वाला बा। अर्जुन तू बाप बनी हो। हमें का मालूम रहा कि तू लोगन ये खुशखबरी सुन के खुश ना हुई बा। आखिर ये घर में आवे वाला बच्चा भी तो यही घर का चिराग है। चौरंगी काका, ई वक्त यहां से चल जा। Mm-hmm.
का हम अपने होने वाले बच्चा और उनकी माई से मिलने नहीं आ सकते? अर्जुन, अर्जुन तो आएगा ही, हम ये ना विश्वास रहा तो जरूर आएगा। तोरे प्यार की निशानी तो ये हमने पास जरूर लाई, तू ना होते ना अर्जुन हम तो मर ही जाती हैं। अर्जुन चुप पगली, ऐसे नहीं बोलती, अरे हमको तो आवे के ही रहा। अर्जुन अर्जुन अब हमके छोड़ के ना जा अर्जुन, हमके भी अपने साथ ले चला अर्जुन, हमके भी अपने साथ ले चला अर्जुन, हमारे ना यहाँ अकेले में दम घुटता था अर्जुन। हम तो ही ले जाने तो आए हैं, माई भौजी राधा सभी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। का अम्मा अम्मा हमा हमारे इंतजार कर रहे थे अर्जुन हमारे। हाँ तुहार और अपने आने वाले मेहमान के भी। सच अर्जुन अर्जुन अब बहुत खुश है अर्जुन, अर्जुन अब बहुत खुश है, अर्जुन अब बहुत खुश है अर्जुन, अर्जुन अब बहुत खुश है अर्जुन, अर्जुन अर्जुन अब बहुत खुश है अर्जुन, अर्जुन अब बहुत खुश है अर्जुन, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। बिटिया वो ना आई है, वो दिन तोहर व्रत तोड़वाने भी ना आई ले, और आज आज बाप बलने के खबर भी उनके यहाँ ना ला सकी। सच्चाई की पहचान हमरी बच्ची, सच्चाई की पहचान, सच्चाई बड़ी कठोर होवे है। तोहरे ना लागे मोरा जिया पर दे।
बिंदिया बाऊजी आप? हाँ, ये पेपर पे दस्तखत कई दे बाऊजी। बाऊजी इमे का लिखा है? इमे लिखा है कि तू अर्जुन से तलाक ले रह ले। का? बाऊजी लेकिन हम नहीं बिंदिया, तोरी वजह से हम जितना बेइज्जत हो सकत रहे उसे ज्यादा बेइज्जत हो चुकल हैं, अब और नहीं। तू दस्तखत कर। बाबूजी, दस्तखत करने से आपकी खोई इज्जत वापस आ सकत है का? खोई इज्जत कबो वापस ना आवत हो, लेकिन वापस इज्जत बनाने की कोशिश तो कायल जा सकत हो। ठीक है था बाबूजी, अगर हमने ये पेपर पे दस्तखत करने से आपकी थोड़ी भी शानो शकत वापस आ सकत है तो हम जरूर दस्तखत कर दे। लेकिन दस्तखत करने से पहले आप हमके ई बताएं कि आप अर्जुन के साथ का करे हो? हमके सच बोलने पर मजबूर ना कर भी दिया। आपके हमरी कसम बाबूजी, हम अर्जुन और ओके खानदान के नामो निशान मिटा दे। सुना थू, अरे भाई हम तो से कहता है सुना यार आवा थू। हमार नाम सुना का? हमार नाम चौरंगी लाल हवे, ये तो सारा गांव जानत है, और पीछे से सुना सुना का कर दो। अरे अगर तुहार नाम नटवा लाल हो तक हमरे बापे के पोदिना खेती में ओला पड़ जा है? अरे तुम्हारे नाम के तख्ती हमके गले में नहीं टांगे खे। तो फिर काहे लिए कौनो मरे हुए बेईमान आदमी के आत्मा के जैसे हमें पीछे से आवाज दे रहा? अरे पीछे का देखा था, तोहरे पीछे से नहीं हमरे पीछे से। हमके ऐसा खबर लागल है कि तू कल दोपहर का हमरे घर के चारों तरफ काहे चक्कर काटत रहे? हम चक्कर नहीं काटत रहनी, चक्कर नहीं काटत रहनी, हम देवी की परिक्रमा करत रहनी। अरे तुम्हारा कौन सी देवी का स्थान है जौन परिक्रमा करत रहला? कामुकी देवी का, जहाँ हमरी मनोकामना पूरी हो जाता, हमार रोम रोम मस्त हो जाता, गांव वालों का और तोहार मनहूस थोपड़ा हम भूल जाएगा। यार देखा अब चली। एक बात बतावा, तू शादी का है नहीं कर लेता? एक बात बतावा, तू अपने बीवी के तलाक का है ना देता है? हम अपनी बीबी के तलाक कहे दो, हम शादी कहे करी? एक बात और बताओ चोरंगी। और बात है? हाँ। तो के घर गृहस्थी बसाओ में भैया अच्छा नहीं लगा था का? अरे भाई जब हमके दूध दही मट्ठा सब कुछ पास पड़ोस में मिल जाता है तो हम भैंस काहे के पाली, काहे होकर गोबर उठाऊं? अरे तो भैंस हमके भी बता देना जो तो के दूध दही मठा सब दे ली। अरे हम कहे बताई, भैंस से जाके पूछा। एक बात और चोरंगी, एक बात और। अरे भैया तू जौन मेला और नौटंकी में तोरे साथ लुगाई होली कहीं हमरी रस भरी तो नहीं ना? अगर हम हाँ कहीं तो तू का करबा? अरे तो के चौधरी साहब से बोल के गांव से बाहर निकलवा दे। और अगर ना कहीं तब? अरे तो भैया गले से लगा ले। तावा अमरीम जी, गले लग जा अमरीम जी। चोरंगी करजवा के ठंडा कह देला। अच्छा, हाँ। तो अब हम चलत हैं। हाँ। देवी के दर्शन करे जाए के हैं। हाँ, जल्दी जा जल्दी। देवी घर में है, मंदिर में है। अरे भैया पड़ गई कलेजा में ठंडक। चोरंगी वो हाँ कहलस की ना कहलस? अरे वो हाँ भी ना कहले ना भी ना कहले, बस हमके गले लगा के चल गए भैया। वैसे चरंगी का बोल के गवाह है? वही बोल के गई है कि वो देवी का दर्शन परिक्रमा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमरी रस भरी के परिक्रमा करे गई? अरे बाप रे बाप। अर्जुन, आज तोरे पास
चौधरी नागेश्वर नहीं, एक बाप चलकर आई है। काहे आए हो? अपनी बिटिया की खुशियां मांग ली। खुशी? अरे चौधरी, मांगे के बा तो ई घर से दर्द मांगा, दुख मांगा, आंसू मांगा, खुशी कहां से लाई? वो तो तू सब छीन ले लह ना। हम सारी बातें भुला के ही बिंदिया का हाथ तो सोपे रहे। चौधरी साहब, अपने मतलब के खातिर आप लोग सब कुछ भुला सकते हो। बेटी का हाथ हमरे हाथ सौंपल आपकी मजबूरी रहल, लेकिन हमरा खानदान ऐसे ना ही है। हमें शादी से पहले भी याद रहल कि बिंदिया हमरे दुश्मन की बेटी है, और आज भी याद रहा। बिंदिया के कोख में तो आहार बच्चा पल रहल बा अर्जुन। अरे ई तो तहार खानदानी परंपरा है ना। आज तक हमेशा तू आपन अय्यासी के निशानी प्रसाद की तरह बांटत रह। आज जब ऐसा निशानी तहार आपन घर में आ गए तब बोरा गईला। दुर्गा, ए चौधरी, चिल्लाई का है तो अपनी हवेली में जाके चिल्ला, अपनी बिटिया पर जाके खाते तू या खुशियों की भीख मांगे आए लबा। ई घर में तो तोरा छोड़ा हुआ मातम बा, वही थोड़ा ले जा। सही में हमार बिटवा बारा। हाथी चीटियों के झुंड में खुद चल के आई ले। लागत है कि चीटियों का समय कुछ अच्छा आई गवा है। चल कल पेड़े बाटले की वजह तो मिली फिर से। क्या बात है नागेश्वर, हम का इतना से बुला हो? क्या बात है, बोला ना नागेश्वर। भाई साहब, आज तक घर के सभी फैसला तो ही करत आई ना, हम कबो विरोध ना के लिए, लेकिन आज हम एक फैसला करे जा रहे हैं। आशा है आप घर के सभी लोग भी विरोध ना करी हो। नागेश्वर, सीधा सीधा बोल, कहाँ कर जाता है? हम ये बतावे खातिर बुलावे हैं कि हम अपने यही हाथों से अपन बेटी के खत्म कर देवे, और ओकरे बाद अर्जुन और ओकरे खानदान के खाक में मिला देवे। नागेश्वर पागल हो गया लगा? भला कौनो बाप अपनी बेटी को मार सकते का? मार सकत है भाई साहब, मार सकत हो अगर वो बाप है तो। अब तो कभी संतान पैदा ना किए, अब क्या जाने कि संतान की वजह से कितना अपमान सहन करना पड़ता है। नहीं अम्मा, ये हमारा आखिरी फैसला हो, बस ये बतावे खातिर अब सबके बुलाए रही। बिटिया तू हमारी बात समझत काहे ना है? नहीं बड़े बाबूजी, हम ही घर छोड़ के नहीं जाइबे। बिंदिया, तू हमारी बात समझने की कोशिश करा, तोरे बात की तो आखिर में साफ साफ नजर आवत है कि वो अपनी झूठी सानो सौकत खातिर तोरी बलि दे सकत हवे। तनिक माँ बन के सोच, तोरे प्यार की निशानी तोरे कोख में पलत है, ओके तो भगवान भी मिटावना चाहत है, तू ओके कैसे मार सकेले? हाँ हमरी बच्ची, दोनों भी माई ये
ये दुनिया में अपन बच्चा के पहले से पहले कैसे मार सकत है उका हमें का कसर है बिटिया फिर हम का कही हमका कुछ समझ में नहीं आवा था बेटी तू वह करा जो ने एक माई के करे के चाहिए दादी हाँ हमार बच्ची माई का दिल बहुत बरहर होला नागेश्वर हमार औलाद हो वो चाहे जितनी बड़ी गलती करे लेकिन बेटा हम ओके अपने हाथे मार तो ना सकीला और फिर ये नन्ही सी जान अभी दुनिया भी ना देखलस ओके इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकल हमार लाल हमार रानी सरंगी रे जीने का सहारा तोरा प्यार रे हाय 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 बहुत बढ़िया रसभरी बहुत बढ़िया दूसरा गाना ना आवत है का आवत है ना तो गाने नींबू आनी चोड़े सारी रात बलमा नींबू आनी चोड़े सारी रात बलमा बाली उमरिया में बंद कोठरिया में एकर मतलब है नौटंकी में चोरंगिया के साथे तेर रहली ये गाना तो सारे गांव गावत है सारा गांव गावत है तो सारा गांव के नेबुआ के रस में डूब के मर देने ते काहे मर दे सुत और सुत दे हमके माई ये दूध और दवाई राजू सोगे भौजी सुलावत है अच्छा अरे इतनी रात गए कौन हो सकत है हम देखत हैं अम्मा जी हम यहाँ पे रहने ना आए लाई हम जाना था कि ये घर के दरवाजे हमरे लिए हमेशा हमेशा खातिर बंद हो चुकल है हम तो आप सबसे सिर्फ एक विनती करे आए लाई ये घर के अंश ई घर के अंश हमरे कोख में पल रहा था और ई घर के अंश के हमरे बाबूजी हमरे साथ ही मिटा देहल चाहत है लेकिन ई घर के अंश के मिटा देहले के हक हमरे बाबूजी को ना ई हक तो सिर्फ आपका है अगर हमके और हमरे बच्चा के मरे के ही हो तो हम अपने के हाथों से मरबे केहू पराए के हाथों से नहीं अम्मा जी हमारी एक विनती स्वीकार कैला हमरी जरूरत केहू को ना है नहीं हो और ना हो हमका इस संसार से मुक्ति दे दो अम्मा जी हमका इस संसार से मुक्ति दे दो अम्मा जी हमका इस संसार से मुक्ति दे दो हम समझ गई कि आप लोग हमरे बाबूजी जैसे ना हो कि हमरी जान लेला हम अपने आप की और अपने बच्चे की जान खुद ले लेंगे लेकिन अम्मा जी हमरी एक आखिरी विनती स्वीकार कैला अम्मा जी
हमरी डोली यही घर में आई रहे और हमरी आरती भी यही घर से निकले। अर्जुन अर्जुन इतना तो हक तो हमके देबाना, हम तो अरे आगे हाथ जोड़त हई, ये हक से हमके वंचित ना करी हा। हमरी गलती के आप सब जने माफ करी हा। कसूर का है माई, वो चाहती तो अर्जुन भैया के बुलाए के अपन घर बसाए लेती। आज ओके जो हालत है वो हम सबकी वजह से है माई। नहीं अम्मा नहीं, दुश्मनी की आग में आज आप अपनों को ही बलि ले रहे हैं। वो जर मरने के लिए गई है ना, वो चौधरी नागेश्वर की बेटी नहीं तोहरी बहू है और उनकी कोख में तोहरे खानदान का अंश हो। माई भाई गर्व की बात है, लेकिन माई आज तो तू इस शब्द की परिभाषा ही बदल दे लो। तू माई तो हाउ लेकिन माई का दिल नहीं है तोहरे पास। बाबूजी बाबूजी बिंदिया घर में कहीं ना, हम पूरा हवेली देखा है, वो हमका कहीं ना मिली, अब क्या करें। बिंदिया कहाँ हो? बिंदिया हमें छोड़कर जा चुकी हो। कहाँ? जहाँ होकर किस्मत होकर ले गई हो। ऐसा नहीं हो सकत। काहे नहीं हो सकत नागेश्वर, तोहार बेटी जाते जाते तुम्हें एक पाप करे से बचा गई और जाते जाते बेटी भैले के फर्ज भी निभाई गई। और एक तू हवा जो नौकरे जान का प्यासल बनल हुआ। बस अम्मा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वाकई हमरी बेटी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान कियो है। अब हमें अर्जुन के मारने में जरा भी हिचक ना हुई। हमरी बेटी ने बेटी होने का हक तो अदा कियो, अब हमें बाप होने का हक अदा करना हो। चला विश्वंभर। चौधरी, ये दुर्गा का घर है, कौनो चंपा बाई का कोठा ना के मुंह उठा के चलाइला। हमें मालूम है ये तोहार घर हो, तोहार बेटा कहाँ हो? हमरा के ना मालूम बा। सरकार, अर्जुन घर में नहीं है। जल्दी बता, वरना वो हालत करबे तू सबके कि हर के वो अर्जुन के पता बताई। ताकत के दम पर तो कुत्ता भी शेर होइला चौधरी, लेकिन का करी आज तहार ई ताकत भी हमार मुंह ना खुला सकी। अरे जानबर मुनीम, ई तो सबके कुत्ता बोल रही है। अरे चला, सभी कुत्ते जैसा ही काम चालू करा, ले चला सबके घसीट के बाहर। आज गांव वालन के चंपा के नहीं दुर्गा परिवार की नौटंकी दिखावत है, ले चला घसीट के बाहर। इन ससुरों को भी ले चला, आज इनसे भी नौटंकी कराई दे था। गांव वालों, गौर से देखला ये दुर्गा देवी के, एका सुहाग एका बेटा और दामाद के हम मार दे, यही के बदला लेवे के खातिर इसने हमारे बेटी का इस्तेमाल किया हो। मेरी वो बेटी आके
जनों खातिर हम जान भी निछावर करने के तैयार रहत रहली, वही के इतना दुख दे ले, इतना दुख दे ले कि वो मर गई। अरे लिए मर गई वो। कायर है रे तू दुर्गा, कायर है तोर बेटा। हिम्मत होती तो हमसे मुकाबला करते। बोल काय तोर बेटा। चौधरी आज पहली बार तहार आंख में हम बेटी का दर्द महसूस होते देख रहल बानी। मजा आ गई आज चौधरी ना, एक बाप अपन बेटी का बदला ले रहल बा। कैसन महसूस होता बतावा, कैसन महसूस हो रहल बा? अरे बाबूजी, ये पहले के जैसी नहीं, पुराना राग अलाप रही हो। वो ससुरा अर्जुन का तुम बाद में ढूंढ के मार देबे, पहले यही का खत्म कही था। अरे गांव वालन को थोड़ा तमाशा तो दिखाई दे ही, ताकि फिर के वो हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। दुर्गा तू हमेशा अपने सुहाग के रोना रोती रही ला, हमेशा यही कहत रही कि तोरे घर में तीन सफेद साड़ियों के जिम्मेदार हम ही। तले आज हम तुम तीनों के रंगीन साड़ियां पहनाई दी थी। गांव वालों, तू सभी बारी बारी दुर्गा देवी की मांग में सिंदूर भरी दो, ताकि दुर्गा देवी की सुहागन मरले की इच्छा पूरी हो जाए। देख दुर्गा, तू एक सुहाग के लिए रोती रही, अब तोरी मांग भरे खातिर कितने तैयार हवे। चौधरी तू का समझा तरह का? चुटकी भर सिंदूर से तू हमार तपस्या भंग कर देबा? अरे ई त बजारू रंग बा। बजारू? असल सिंदूर त उ रह जो हमार पति हमार मांग में भरले रहे, और उस सिंदूर के उस सात जन्म तक ना मिटा सकेला। सात जन्म तक? नहीं जी सरकार, ले आ अपने बजारू सिंदूर के। ई ले सरकार हाजिर बा। हम सबके मार के हैं तो ऐसे ही मार दो चौधरी। चिंता मत करा, तुहरे साथ आगे के भी कार्यक्रम की व्यवस्था किया हो। ऐसा नहीं करियो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे, ऐसा नहीं करियो। चौधरी हमार बेटवा तू लोगन के ऐसा मौत मारी कि तू लोग अगला जन्म लेवे से डरवा। अरे ऊ कायर का मारी जोन डर के पहले ही छुप गवा है। चला रे बाजारू सिंदूर भर दिए हो। अरे हमका छोड़ दो भाई, हमका छोड़ दो। हमका नहीं, ई बाप हमसे ना करावा चौधरी साहब, हमसे ना करावा ई बाप। ए बुढ़ो, जगे मरना है वो भले हमरी बात ना माने, लेकिन जगे जिंदा रहना हो वो एक एक कई के लाइन में आता जावे। चौधरी चौधरी हम कहते ही सब रोकता, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। तहार पाप का घड़ा भर गई बा, अब तरह के कौनो ना बचा सकेला। हमार बिटवा आई, हमार बिटवा आई और तहार सर्वनाश कर दे। अरे हम भी चाहत है तोर बिटवा आए, ऊ कायर आए और हम ओके मार दे। चल भरमान। ना 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 रमैया ना, 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 ना। देख ला चौधरी हमार बेटा आ रहल बा। अच्छा बाबूजी बुढ़िया पगला गई है। ज्यादा हंसा मत, हमार बेटा आ रहल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक। पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी सिंह सिंह।
नागेश्वर, ये काम अगर हम बहुत पहले कर दिया होती तो आज ये नौबत कब ना आवत। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी इका, बाबूजी, बाबूजी इका भाई, बाबूजी, बाबूजी। बिल्लिया। हाँ, हाँ बाबूजी। तू जिंदा है? हाँ बाबूजी। बाबूजी, हमका कुछ नहीं भावा बाबूजी, हमके कुछ नहीं भावा, हम मरे खाते नदी में कूद पड़ी रहनी, लेकिन लेकिन अर्जुन ने अपनी जान भी खेल के हमके बचाए लिए, और मालूम है अर्जुन के बचावे खातिर के भेजला, हमरी हमरी सासू अम्मा ने, हमरी सासू अम्मा ने, हमरी सासू अम्मा ने, हमरे बच्चे को भी बचाए लिया हमरी सासू अम्मा ने बाबूजी, हमका कुछ नहीं भावा बाबूजी। देख ला चौधरी कैसन छाती फट गई अपन जवान बेटे के लाश देख के, ऐसा नहीं छाती फटल रही हमार अपन परिवार का खून बहता देख के, पता बहु हम माई है माई, अपन बहु हरो कर आए वाले बच्चे का जान ना ले सकत रही, लेकिन हाँ हम कसम जरूर ले ले रही कि एक दिन तरह के खून के आंसू रुलाएं और वो हम रुला देनी, हम जीत गए नहीं चौधरी, हम जीत गए नहीं। चौधरी साहब तू कसम जत होवे हम विद्या से प्यार नहीं करते, अरे बहुत करीला बहुत ज्यादा, पर हमरा प्यार हमरी कोनो खुशी हमरी माई की खुशी से बढ़ के ना आवे,
काहे के हम माई का बिटवा है और हमेशा रहे हमें माफ कर दे दो बाबूजी बाबूजी आई दरोगा साहब आई 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 बड़े चौधरी साहब ये सब हाँ दरोगा साहब हम अपने भाई और भतीजे को ना मारे बल्कि वो डर को मारे हैं जो हमारे खानदान में जन्म ले रहा और जाने से सारा इलाका का पत रहा दुर्गा अब तो हमारे बेटे और अपने बहू का अपना बहुत कष्ट झेला है एक अर्दाम और खुशियां से एहसान भरा क्या हमारी याद ना आवे जा बेटिया जा खुश रह कलेजे में ठंडक पहुंचल कहा दुर्गा बहुजी हम कहे रहली ना तोहार बिटवा अर्जुन ना ही कृष्ण है कृष्ण बिना सुदर्शन चक्र के चला दिया ले ना चक्कर झुमके आई लहापुर वाई लहर लहर सरसों लहराई झुमके आई लहापुर वाई लहर लहर सरसों लहराई आज हमरे द्वारे समन ऐसन ली अंगड़ाई हो समन ऐसन ली अंगड़ाई दूर भइल दुख का परछाई आंसू बन गए तारे आज हमरे द्वारे हमरे द्वारे झुमके आई लहापुर वाई लहर लहर सरसों लहराई आज हमरे द्वारे क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस